छोड़ेंगे। दर्द हुआ? नहीं। कोई दिक्कत हुआ? नहीं हुआ। एक बार और लंबा सांस छोड़ेंगे। यहाँ पे मैडम दर्द है आपको? यहाँ होता है ना। आम जीवन में शरीर को लेकर जो कई समस्याएं हैं उससे आम जीवन में लोग हरदम जूझते नजर आए हैं, लेकिन अब टेक्नोलॉजी के साथ जो डॉक्टर्स हैं वो भी हाईटेक हो रहे हैं और जो प्रैक्टिस है डॉक्टर्स की वो दिन पर दिन बेहतर होती जा रही है। फिजियोथेरापी आपने सुनी होगी, लेकिन एक नए किस्म का जो ट्रीटमेंट है आज के दिनों में काफ़ी चर्चा में है, जिसे कायरोप्रैक्टिक कहा जाता है। एडवांस कायरोप्रैक्टिक क्लिनिक में हम मौजूद हैं और यहाँ के जो डॉक्टर हैं सुरेंद्र कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। सुरेंद्र जी, नया जो जीवन है हड्डियों को अब दिया जा रहा है। लोग जोड़ के दर्द से परेशान रहते थे, लेकिन अब हर एक जोड़ बज रहा है और दर्द जो है वो निकल रहा है। आधुनिक जीवन में हम लोगों का अपने पोस्चर का ख्याल नहीं रख पाते हैं, कैसे चलना है, कैसे बैठना है, कैसे ड्राइव करना है, जिसके चलते बहुत सारी बीमारी बढ़ रही है। जॉइंट पेन से लेके नर्व्स का प्रॉब्लम ये सब बढ़ रहा है, जिससे कायरोप्रैक्टिक बहुत ही बेहतर ये सॉल्यूशन है और इससे बहुत ही जल्दी मरीज को ठीक किया जा सकता है। किस तरीके के ज़्यादा जो पेशेंट्स आते हैं, क्या उम्र होती है, किन चीज़ों के दर्द से वो परेशान रहते हैं? उम्र का तो अब तो कम उम्र के बच्चे जैसे बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं या फिर मोबाइल का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं, तो अब तो कम उम्र के बच्चों में भी ये सब बीमारी होने लगी है। जनरली 25 से लेके 60-65 तक ज़्यादा है लोग, और जनरली जो बीमारी है सबसे ज़्यादा है सैटिका का प्रॉब्लम, कमर दर्द, गर्दन दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, फ्रोजन शोल्डर या अर्थराइटिस, घुटने का दर्द, ये सब बहुत ज़्यादा अभी देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ा सवाल था कि पहले जब भी जोड़ों का दर्द होता था, कोई भी हड्डी में दर्द होती थी, तो लोग फिजियोथेरेपी की तरफ मूव करते थे, क्या अलग है इस कायरोप्रैक्टिक में? देखिए, ये भी फिजियोथेरेपी का एडवांस रूप ही है। फिजियोथेरेपी आज भी है और ये कायरोप्रैक्टिक फिजियोथेरेपी का एडवांस रूप है, जिसमें फिजियोथेरेपी से जल्दी रिजल्ट दिया जा सकता है। फिजियोथेरेपी में एक लंबा समय तक किसी पेशेंट को आना होता था, तो आजकल समय का सबके पास अभाव है। इसमें जनरली पेशेंट को 3 से 4 सेशन 5 सेशन मतलब 5 दिन में ठीक किया जा सकता है। एक बड़ा सवाल यह है कि जोड़ों का दर्द कई जगहों पर देखा जाता है कि एक कारण नर्व्स भी बनते हैं, तो क्या उन समस्याओं को भी दूर किया? बिल्कुल बिल्कुल, नर्व्स के प्रॉब्लम को भी दूर किया जाता है। तो किस तरीके के पेशेंट्स हैं जो बहुत लोगों में देखा गया कि L4 L5 में डिस्टर्बेंस होता है, नस फंसती है, तो कैसे उन चीज़ों को ठीक किया जाए? उसको हम लोग एडजस्ट करके बिना मेडिसिन का, जहाँ नर्व्स दब रहा है वो कंप्रेशन को दूर करते हैं एडजस्ट करके, जहाँ कंप्रेशन है उसको डीकंप्रेस हम लोग करते हैं विद कायरोप्रैक्टिक के माध्यम से। जानना लोग ये चाहते हैं कि आम समस्याओं में घुटना सबसे बड़ा सवाल है, एक ओल्ड एज में आने के बाद घुटना में घिसन आती है, लोगों को दर्द होती है, तो उसमें भी क्या कायरोप्रैक्टिक काम करता है? देखिए, उसमें घुटने के दर्द में अगर मिसअलाइनमेंट है तो उसे बहुत जल्दी कायरोप्रैक्टिक से ठीक किया जा सकता है। सूजन है, दर्द है, वो ठीक किया जा सकता है। अगर कार्टिलेज घिसा हुआ है तो उसमें समय लगता है, क्योंकि कार्टिलेज दोबारा बनता नहीं है। तो हम लोग पेशेंट को लिविंग स्टाइल को परिवर्तित करते हैं, जैसे बताते हैं ज़्यादा सीढ़ी नहीं चढ़ना है, ज़्यादा पैदल नहीं चढ़ना है, ये सब करके उसको जीने लायक बना दिया जाता है। हमने देखा कि 2 महिलाएं थी जिनका आप ट्रीटमेंट कर रहे थे, ओल्ड एज में हैं, समस्याएं घुटनों को लेकर था, तो क्या आप कितने वक्त से हैं? कुछ लोगों ने कहा कि चलने में अब आसानी हो रही है। हाँ, वो लोग का लगभग दूसरा और तीसरा सेशन है, तो काफ़ी पहले से सुधार हुआ है। पहले वो लोग चल नहीं पाते थे, पहले बैठ नहीं पाते थे, तो उसमें काफ़ी सुधार हुआ है। देखा जाता है कि लोग डरते हैं कि इस तरह की अगर ट्रीटमेंट कराते हैं तो फीस हाई होगा, तो क्या रखा है आप लोगों ने? नहीं, फी तो बिल्कुल जेन्युइन है, जो हर तरह के लोग अफोर्ड कर पाते हैं। जहाँ ये ऐसा बीमारी जैसे किसी को सेटिका हो गया या फिर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, स्लिप डिस्क हो गया, तो लोग लाखों लाख खर्च करके आते हैं, और हम लोग जनरली 10 से 15 हज़ार में टोटल बीमारी का कंप्लीट पैकेज में कर देते हैं। एक आखिरी सवाल लेंगे, इस आधुनिक युग में कहा जा रहा है कि एक ऐसी टेक्निक आई है जो पुराने लोग पहले यूज़ करते थे, तो क्या ये सच है? बिल्कुल बिल्कुल, ये कायरोप्रैक्टिक कोई नया चीज़ नहीं है, ये बहुत पुरानी चीज़ है। बट ये धीरे धीरे दवा खाने के चक्कर में लोग इसको भूल गए थे, अब फिर से ये एक्टिवेट हुआ है। निश्चित तौर पर कायरोप्रैक्टिक को लेकर जो इस वक्त चर्चाएं हैं उनमें से एक क्लिनिक में हम पहुंचे थे और आप डॉक्टर सुरेंद्र को सुन रहे थे। जो तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं कई मरीजों की है, जिन्होंने इस थेरेपी के माध्यम से अपने उन जटिल
दर्द से निजात पाया है, जिसके लिए लंबे वक्त से डॉक्टर से परामर्श ले रहे थे और जो दवाइयां हैं उसका लगातार सेवन कर रहे थे। आपने सुना, डॉक्टर सुरेंद्र ने साफ तौर पे कहा है कि जो जटिल बीमारियों के लिए जो दर्द होती थी उसके लिए लोग दवा खा रहे थे और इस कायरोप्रैक्टिक को लोग भूल गए थे और अब वापस से इसके तरफ रुख जो है वो किया गया है। बहरहाल, अगर जोड़ों में दर्द है, पुराने दर्द से आप परेशान हैं, तो आप भी इस थेरापी का इस्तेमाल और इस थेरापी का लाभ ले सकते हैं। यहाँ पे मैडम दर्द है आपको? हाँ, यहाँ होता है ना? यहीं से दर्द शुरू होता होगा। इस हाथ में दर्द आता है? हाँ, यहाँ भी आता है। यहाँ भी दर्द है? हाँ। लूज, लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे। कैसे क्यों रहे? आइए आराम से। लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे। दर्द हुआ? नहीं। कोई दिक्कत हुआ? नहीं हुआ। लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे। लंबा सांस, छोड़ेंगे। लंबा सांस, छोड़ेंगे। एक बार और लंबा सांस, छोड़ेंगे। करवट आ जाइए तो सही रहेगी, मेरे दर्द हो जाएगा और प्रॉब्लम से।